हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल राउंडर सेवलिंग्स जैसा कि आप सभी जानते हैं हमने बायोलॉजी आई बोर्ड क्लास सेवन्थ की सभी चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें अब हम चैप्टर की एक्साइज एंड क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर रहे हैं इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर तक की एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स के साथ सभी चीज़ें फिनिश हो चुकी हैं और उसकी सीरीज वाइज प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज हम करेंगे चैप्टर सिक्स द नर्वस सिस्टम की एक्सरसाइजेस और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम क्वेश्चन आंसर्स फिर हमारा सेवन चैप्टर रिमेनिंग रह जाएगा सो लेट्स स्टार्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट विच ऑफ दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है ह्यूमन ब्रेन में थ्री पार्ट्स होते हैं सेरेब्रम सेरेबैलम एंड मेडुला ओब्लोंगटा तो ये थ्री पार्ट्स होते हैं इनमें से लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है आपका सेरेब्रम स्पाइनल कॉर्ड जो है, part, sorry, होता है ह्यूमन का पार्ट सॉरी ब्रेन का पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड बट ह्यूमन ब्रेन के थ्री मेन पार्ट्स होते हैं ये वाले थ्री मेन पार्ट्स होते हैं जिसमें सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरेब्रम नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स कैरी इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेन इन सभी ये जो नर्व्स के टाइप दिए हुए हैं इनमें से कौन सी नर्व्स ऐसी हैं जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक ले जाती हैं विच कैरी इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेन सो आंसर इज सेंसरी नर्व्स ठीक है सेंसरी नर्व्स जो होती हैं वो इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाती हैं नेक्स्ट इन द ह्यूमन ब्रेन थिंकिंग इज़ डन बाय द ह्यूमन ब्रेन में जो थिंकिंग होती है यानी कि जो हम कुछ सोचते हैं जो हमारा थिंकिंग पार्ट होता है वो किसके थ्रू होता है सेरेब्रम के थ्रू होता है इफ़ योर हैंड एक्सीडेंटली टच इज़ अ हॉट ग्लास अगर आपका हाथ अचानक से एक हॉट ग्लास को एक गर्म ग्लास को पकड़ लेता है टच कर देता है द कमांड टू रिमूव द हैंड फ्रॉम द ग्लास इज गिवन बाय तो हम एकदम से हैंड पीछे करते हैं ग्लास से हटाते हैं तो ये कमांड जो दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है सेरेब्रम मेडुला मेडोलॉब्लॉन्गेटा सेरेबलम और स्पाइनल कॉर्ड इट इज गिवन बाय द आंसर इज स्पाइनल कॉर्ड नेक्स्ट द डैश नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्प्रेड थ्रू आउट द हेड ये नर्व्स जो होती हैं वो ब्रेन से स्टार्ट होती हैं अराइज होती हैं और पूरे हेड में स्प्रेड हो जाती हैं पूरे हेड में ये वाली नर्व्स फैल जाती हैं तो इन्हें हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स ठीक है क्या बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स ये हमारे एम कंप्लीट हो गए हैं अब इसके बाद आते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट अ सिस्टम मेडअप ऑफ नर्व सेल्स इज कॉल्ड डैश एक ऐसा सिस्टम जो नर्व सेल्स से बना हुआ होता है उसे हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम द कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन इन हायर एनिमल्स कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन जो होता है हायर एनिमल्स में टेक प्लेस थ्रू नर्वस सिस्टम एज वेल हॉर्मोनल सिस्टम जो टेक प्लेस करता है ये कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन नर्वस सिस्टम एज वेल एज हारमोनल सिस्टम के थ्रू होता है उस सिस्टम को हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम द मेन ऑर्गन ऑफ नर्वस सिस्टम आर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड डैश मेन ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं नर्वस सिस्टम के ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व सेल जिसे आप न्यूरोन भी बोलते हैं नेक्स्ट द डैश इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है सेरेब्रम द डैश इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट हेल्प इन मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी ये पार्ट जो होता है ब्रेन का ये हेल्प करता है बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने में और बॉडी का बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करता है ये पार्ट होता है आपका सैरेबैलम ब्रेन के थ्री पार्ट्स होते हैं ठीक है थीके? द डैश बिगन्स इन कंटिन्यूएशन विद मेडोला एंड एक्सटेंड्स डाउनवर्ड्स ये जो स्टार्ट होता है कंटिन्यूएशन में मीन्स मेडूला के साथ स्टार्ट होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करता है तो यह है आपका स्पाइनल कॉर्ड ठीक है कंटिन्यूएशन मींस जैसे यहाँ पर मेडूला आपका फिनिश हुआ और यहीं से स्टार्ट हो जाता है आपका स्पाइनल कॉर्ड द शॉर्टर फाइबर्स ऑन द बॉडी ऑफ अ न्यूरोन आर कॉल्ड न्यूरोन की बॉडी में जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं डेंड्राइड्स ऑल द नर्व ऑफ द बॉडी टूगेदर मेकअप द डैश नर्वस सिस्टम सारी जो नर्व होती हैं बॉडी की एक साथ मिलकर कौन सा नर्वस सिस्टम बनाती है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं तो यहाँ पर आपके फुलिंदा ब्लैंस भी फिनिश हो गए और अब हम करेंगे ट्रू एंड फॉल्स ट्रू फॉल्स में फर्स्ट है द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट इन अवर बॉडी जो नर्वस सिस्टम होता है हमारी पूरी बॉडी के सभी ऑर्गन सिस्टम की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है इट इज़ ट्रू इन ह्यूमन बींग्स नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम वर्क टुगेदर टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल अवर एक्टिविटीज़ ह्यूमन बींग्स में नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम एक साथ काम करते हैं जिससे हमारी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट किया जा सके कोऑर्डिनेट मींस बैलेंस बनाया जा सके इट इज़ ऑल्सो ट्रू नेक्स्ट सेरेब्रम डज नॉट हैव फोल्ड्स एंड ग्रूब्स ध्यान से पड़िए सेरेब्रम डज नॉट हैव फोल्ड एंड ग्रूब्स तो इट इज़ फॉल्स उसमें फोल्ड्स एंड ग्रूव्स होते हैं तो आप क्या लिखेंगे सैरेब्रम हैव फोल्ड्स एंड ग्रूव्स डज नॉट नहीं आएगा नेक्स्ट द सेरेब्रम इज शेप्ड लाइक अ स्टेम सेरेब्रम जो है वो स्टेम की तरह शेप होती है उसकी इट इज़ ऑल्सो फॉल्स सेरेब्रम की नहीं होती मेडुला ओब्लोंगेटा की होती है स्टेम के जैसी जैसे प्लांट की स्टेम होती है उसके जैसी उसकी शेप होती है नेक्स्ट क्या है मेडुला ओब्लोंगेटा कीप्स वर्किंग इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग मेडुला ओब्लोंगेटा जो होता है वो तब भी काम करती है जब हम सो रहे होते हैं येस इट इज ट्रू डैश नर्व सॉरी नो नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड से कोई भी नर्व्स अराइज नहीं होती इट इज़ फॉल्स स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स अराइज होती हैं तो यहाँ पर आपके ट्रू फॉल्स भी फिनिश हो गए हैं और इसके साथ हमारी चाप, इस चैप्टर की चैप्टर नंबर सिक्स द नर्व सिस्टम की एक्सरसाइज कम्प्लीट हो चुकी है नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ तब तक के लिए सारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं या कुछ भी आपका डाउट है आप वो भी क्लियर कर सकते हैं थैंक यू